आगामी 6 जुलाई को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पहुंचेंगे, जहां वे चरथावल विधानसभा सीट में पहुंचकर 10 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसके चलते शुक्रवार को मुजफ्फरनगर जनपद के नगर में स्थित राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें कार्यक्रम की रणनीति तैयार की गई। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा पूरे देश में समरसता अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए जनता को राष्ट्रीय लोकदल की तरफ आकर्षित करने के लिए सर्व समाज के लोगों के बीच जाकर जयंत चौधरी छोटी छोटी मीटिंग कर जनता को संबोधित करने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते 6 जुलाई को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर में पहुंचेंगे, जहां वे चरथावल विधानसभा सीट में पहुंचकर प्रस्तावित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान चरथावल विधानसभा सीट पर 10 गांवों में 10 मीटिंगों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सर्व समाज के लोगों को इकट्ठा करके राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पार्टी के प्रति आकर्षित करने का काम करेंगे। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष संदीप मलिक ने बताया कि आज पार्टी कार्यालय पर मीटिंग हुई है एवं मीटिंग का मकसद यह है कि हमारे नेता राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जयंत सिंह 6 जुलाई को जनपद मुजफ्फरनगर में आ रहे हैं। वह 5 जुलाई का कार्यक्रम उनका शामली में है और 6 जुलाई का कार्यक्रम उनका जनपद मुजफ्फरनगर में है और जनपद मुजफ्फरनगर के चरतावल विधानसभा में उनके 10 कार्यक्रम होने हैं। कार्यक्रम का नाम समरसता अभियान के नाम से पूरे देश के अंदर उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है। पार्टी कार्यालय पर मीटिंग हुई है। मीटिंग का मकसद यह है हमारे नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनपद मुजफ्फरनगर में 6 जुलाई को आ रहे हैं। 5 जुलाई का कार्यक्रम उनका श्यामली में है और 6 जुलाई का कार्यक्रम उनका जनपद मुजफ्फरनगर में है और जनपद मुजफ्फरनगर में चरथावल विधानसभा में उनके 10 कार्यक्रम होने हैं। कार्यक्रम का नाम समरसता अभियान के नाम से पूरे देश के अंदर उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है और अभी उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए 11 और 12 तारीख में उनका कार्यक्रम बिजनौर में था। 2 दिन बिजनौर में रुके और वहाँ पे भी कम से कम 25-26 कार्यक्रम थे। उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वो हमारे बीच में 6 जुलाई को आ रहे हैं और उनका कार्यक्रम चरथावल विधानसभा में प्रस्तावित है। 10 गांव के अंदर वो जाएंगे, 10 मीटिंगों को संबोधित करेंगे और समरसता अभियान का मतलब ये है कि सर्व समाज के लोगों को इकट्ठा कर राष्ट्रीय लोकदल के प्रति आकर्षित करना। देखो वो तो नेता का निर्णय है गठबंधन किससे होगा, पर पार्टी अपने जनपद में पूरी मजबूती के साथ 2024 की तैयारी में लगी है और हमारे नेता का जो भी निर्णय 2024 के लिए होगा पार्टी का एक कार्यकर्ता पार्टी का एक नेता और हमारी पार्टी के सभी विधायक पूरी ताकत के साथ गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम इस जनपद में करेंगे। देखो आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ शाहनवाज लालू की तो आप चर्चा कर रहे हैं खतौली की, अभी जनपद में जिला सहकारी विकास संघ का चुनाव हुआ है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, पता कर लेना आप डिपार्टमेंट में जाकर। क्या आदमी ऐसा भी होता कि निर्वाचित होने के नेक्स्ट डे उसको लिख के डाल दिया कि उसने इस्तीफा दे दिया और सीट खाली करा दी? जो मोरना से जो डायरेक्टर निर्वाचित हुए थे दलित समाज के लिए वो सीट आरक्षित थी, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा किया और वो बात करते हैं दलित की, क्या दलित के साथ ही ऐसा क्यों किया? अभी 23 तारीख को चुनाव हो रहा है जनपद में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का। भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोग और कुछ पूर्व विधायक इस तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसी जनपद में बना रहे हैं जिन लोगों का बैंक के अंदर पहुंचने का कोई औचित्य नहीं बनता। जो लोग पिछली बार भी फर्जी डायरेक्टर के रूप में बैंक में 5 साल काम किया, आप लालू की तो बात कर रहे हैं, उन लोगों को देखो क्या भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से चुनाव करा रहे हैं। एक आदमी को नॉमिनेशन भी नहीं करने दिया, विड्रोल तक वापस करा के साइन करके कह दिया विड्रोल पे साइन करो उसके बाद नॉमिनेशन का आपको फॉर्म मिलेगा। अगर उनकी सदस्यता भी जाती है 4 महीने की। देखो रही खतौली की बात, हमारी पार्टी के वहां चेयरमैन बने हाजी शाहनवाज लालू जी, पूरी पार्टी हाजी शाहनवाज लालू के साथ है। उनसे मेरी बात हुई थी कल, उनके खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है, हम वकील के माध्यम से बात कर रहे हैं कि इसको कैसे क्या बात करनी है और जो उनके खिलाफ उनके प्रमाण पत्र पे आपत्ति की गई है और प्रमाण पत्र को निरस्त करने का काम कमेटी ने यहाँ किया है उसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे और निश्चित जो भी आगे का कोर्ट का निर्णय होगा उसका हम पालन करेंगे।